हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती पेपर लीक मामला जयराम सरकार के गले की फांस बन गया है। जी हां, चुनावी वर्ष में हुए पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में जयराम सरकार चौतरफा घिर गई है। विपक्ष के हमलों के बाद जयराम सरकार ने हिमाचल पुलिस भर्ती मामले की जांच सीबीआई से करवाने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि सीएम जयराम ठाकुर ने बकायदा पत्रकार वार्ता बुलाकर मामले की सीबीआई जांच करवाने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा लीक मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जा रही है। जब तक जांच सीबीआई के पास जाती है उस वक्त तक एसआईटी ही मामले की जांच को आगे बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि पुलिस लिखित परीक्षा लीक मामले के तार बाहरी राज्यों से जुड़े हुए हैं, जिनमें यूपी बिहार से लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बाहरी राज्यों के 10 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि मामले में कुल 73 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें 2 अभिभावक भी शामिल हैं। अब सारी चीजों को लेकर के, क्योंकि पहले हमको ये लग रहा था कि शायद ये घटना विद इन स्टेट या स्टेट के अंदर ही इसकी ज्यूरिस्डिक्शन रहेगी और सारी जो इन्वॉल्वमेंट जिन लोगों की है वो शायद स्टेट के अंदर ही इस तरह से, लेकिन जब धीरे धीरे इसकी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस आगे बढ़ी तो इसमें बहुत सारे प्रदेश, मैंने जैसे जिक्र किया 10 लोग ऐसे हैं जो प्रदेश से बाहर के हैं, दूसरे स्टेट के हैं, और ऐसी सूरत में दूसरे स्टेट में भी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस को इफेक्टिवली करना है। और उसके साथ साथ में दूसरा विषय यह है कि एक विषय यह आ रहा था कि पुलिस विभाग ने ये रिटन टेस्ट की सारी प्रोसेस की है, रिक्रूटमेंट की सारी प्रोसेस की है, और एसआईटी जो कॉन्स्टिट्यूट की गई है वो भी पुलिस विभाग की है। इस पर कई लोग जो है उस तरह की बातें करने की कोशिश कर रहे थे। मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, एक तो अपनी पुलिस पर भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, और हमें पूरा भरोसा है, और भरोसे के बलबूते में कह सकता हूँ कि जो एसआईटी ने परफॉर्म किया है बहुत बेहतरीन ढंग से जो है काम किया है, लेकिन फिर भी सारी बातों को विराम देना चाहिए। मैं भी इस मत कहूँ इस सारे मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ये हमारा बड़ा साफ मन है, साफ मत है पहले दिन से ही। जैसे ही मैंने कहा कि 11:30 बजे रात के मुझे सूचना मिली कि इसमें इस प्रकार से लग रहा है, तुरंत हमने एफआईआर दर्ज करने के लिए बोला, और दूसरे दिन सुबह हमने पेपर जो रिटन टेस्ट का हुआ उसको रद्द करने के लिए बोला, एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की, और एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करने के पश्चात तुरंत जो है हमने धरपकड़ शुरू की और उसके परिणाम का जिक्र मैंने आपके सामने किया है। और आगे बढ़ करके जब हमको मालूम पड़ा कि इसमें ये नेक्सस जो है बहुत जगह फैला है बहुत सारे प्रदेशों में, ऐसी सूरत में इसके लिए बेटर एजेंसी जो है वो सीबीआई रहेगी, तो इसलिए हमने सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन की बात कही है। और बाकी राजनीतिक मकसद से लोग बोलते रहेंगे, लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए, साफ सुथरे तरीके से होनी चाहिए, ये हमारा मकसद है और इसलिए हमने ये तय किया है।